छठ पूजा महापर्व को लेकर छठ व्रतियों ने सूर्य को नमस्कार कर अर्घ दिया। कोरोना महामारी के चलते जब सूर्य को अर्घ देने के लिए छठ व्रतियां तैयार हुई, कसूरी देवता बादल में छा गए। हर साल की भांति इस बार सूर्य देवता नाखुश होकर अपना अर्घ लिए। छठ व्रतियों ने नहा खा के दिन कद्दू भात एवं दूसरे दिन आरमाइन का खा लेना, आरमाइन का चावल दूध गुड़ से खन्ना किया। तीसरे दिन सूर्यदेव को दलिया में खमड़ी सेब, नींबू केला, छतारी नारियल एवं चावल के लड़ुआ से सजाकर सूर्य देव को छठ व्रतियों ने रख दिया। चौथे दिन भी सुबह अर्घ देंगे, तब वह पारण के दिन बरबरी घास में एक लोटा जल एवं नावे चढ़ाकर अपना पारण छठ व्रतियों ने करेंगे। कि आप देख रहे हो हमारे गांव के कुछ समूह, कुछ लोगों के समूह के द्वारा यहाँ पर छठ पूजा को सेलिब्रेट करा जा रहा है। ये छठ पूजा का घाट है और यहाँ पर कॉलम वगैरह रखे गए हैं गाना वाना बजाने के लिए, लेकिन अभी लाइट नहीं होने के कारण ये बज नहीं रहा है गाना। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से धूमधाम से इस घाट को सजाया गया और लोगों के द्वारा मतलब कि पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं और छठ पूजा को सेलिब्रेट करा जा रहा है। अभी अर्घ नहीं दिया जा रहा है, अभी बस जैसे कि देख रहे हो आप यहाँ पर, देखिए अभी थोड़ी देर बाद अर्घ दिया जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पर लोगों में इतनी उत्साह है। देखिए बिल्कुल सारा सामान रेडी है गाना बजाने का, बस सिर्फ लाइट की जरूरत है और लाइट नहीं होने के कारण ये हमारे गाना नहीं बज पा रहा है। देखिए मैं बिल्कुल आपको अच्छे से सीन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और देखिए बहुत ही बड़े मतलब कि आप पोखरा कह सकते हैं, जैसे कि हिंदी लैंग्वेज में कहते हैं पोखरे में मनाया जा रहा है छठ पूजा। देखिए यहाँ पर लोगों की भीड़ देखिए, देखिए एक बस ये सिर्फ तांते टोटे के लोगों के द्वारा मनाया जा रहा है, ना कि पूरे गाँव के द्वारा मनाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए आपको पूरा देखिए यहाँ पर पटाखे वटाखे सब छोड़े जा रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी पटाखे फोड़ रहे हैं और यहाँ पर ये बड़े लोग भी पटाखे फोड़ रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से देखिए यहाँ पर सब मतलब कि लोगों में इतनी उत्साह है, उत्साह के साथ से वीडियो भी बना रहे हैं सब अपने अपने लोगों के लिए। इस पल को मतलब कि कैमरे में कैप्चर करना चाहते हैं जो कि बाद में इसी पल को देख के फिर आनंद लिया जा सके, इसी के द्वारा इसीलिए ही कैमरे में से कैप्चर करा जा रहा है और मैं भी के लिए इसे कैमरे में कैप्चर कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल केले का पेड़ वेड़ को पूरे केले के पेड़ को फाड़ के लगा दिया गया है और कुछ बैलून वगैरह सजाए गए हैं। देखिए बिल्कुल सीढ़ियों को इतने अच्छे से साफ किया गया है और देखिए यहाँ पर देखिए अब अर्घ भी देना शुरू कर दिया, जैसे कि मैं आपको आगे की ओर चल के दिखा रहा हूँ।